guys, a very warm welcome to my channel Gyani Kida. Friends, today in this video I will discuss about the midterm examination of 1920 science examination of class 7th जो अभी हाल ही में connect हुआ CBSE का. और friend, बताना चाहूँगा ये paper काफ़ी important है. जो viewers में देख रहे हैं शायद उनके भी काम ना आए, पर लेकिन in future जो आपके जो teachers हैं या फिर जो students हैं उन सबके बहुत बड़ा role play करने वाला है paper. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है वो 60 मार्क्स का था. और हाँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, गर्ल्स का एग्जाम है. ठीक है, और जो नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में जो है मैं आपको अपलोड करूंगा क्लास 7th का, वो आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है. दोनों लगभग लेवल रिलेटेड पेपर थे, काफी क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे उसमें. ठीक है, ये चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. अब फ्रेंड देखो, जनरल सा पैटर्न बता दूँ क्या क्या पैटर्न था. ये देखो जो है टाइमिंग जो 230 आवर्स की थी, उसके बाद इसमें जो है आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे. द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 16 क्वेश्चंस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए पार्ट और बी पार्ट. ए सेक्शन ये था फ्रेंड्स, वो एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे. ठीक है, और सेकंड जो बी सेक्शन है उसके 15 क्वेश्चन थे, और आपके जो है 2 to 7 जो 2 मार्क्स के थे, 8 to 13 जो 3 मार्क्स के थे, और 14 to 16 5 मार्क्स, मतलब जो स्कोरिंग थे एंड के 14 to 16 5 मार्क्स है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपके क्लोज सेक्शन ए से, जो कि एमसीक्यू है. 4 ऑप्शन, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मैं 4 ऑप्शन का रीजन दूंगा. ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड देखो, पहला क्वेश्चन ये था, वो चैप्टर में सेकंड न्यूट्रिशन यूनिट्स पूछा गया कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन डैश स्टमक माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन. तो फ्रेंड ध्यान रखना, फैट का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां पर होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अगर यही क्वेश्चन पूछता कि पार्शियल कहां होता है, तो आपका आंसर क्या होता है, स्टमक है. बट ये पूछा गया कंप्लीट, तो यू आंसर व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन. उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी क्वेश्चन नंबर में, इंटेस्टाइन लिखा हुआ था, आपका इंटेस्टाइन है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर ऑन थर्ड से पूछा गया. आपको जो फाइबर टू फैब्रिक था, ऑप्शन था, कौन सा जो है वूल नहीं देता, गोट कैमल हेरी डॉग और याक. अब यहाँ कंफ्यूज कर दिया बच्चों को कि हेरी डॉग है तो ये देगा, बट इसका आंसर बोलो क्या, हेरी डॉग, क्योंकि गोट भी देता है और कैमल भी आपको याक भी देता है. ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना. अब जो क्वेश्चन थर्ड है, ये पूछा गया आपको चैप्टर नंबर 5th से, फिजिकल एंड केमिकल जो चैप्टर आपका, कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो क्या बनाता है. देखो सिंपल सा, जो मैग्नीशियम जब बर्न होगा, मैंने बताया कुछ आपको, जब भी बर्निंग होती है हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, तो मैग्नीशियम विल कंबाइन विद व्हाट, ऑक्सीजन, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, अ लेयर दैट इज नोन एज व्हाट, MgO. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से किया तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सल्फेट नाइट्रेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन ऑक्साइड, एब्सोल्यूट राइट आंसर. ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी आपके ज्ञानी कीड़ा के टेलीग्राम चैनल में. अगर वहां भी नहीं मिलती है, आप चलाना @ज्ञानी कीड़ा, तो वहां पर जो आपका फेसबुक पेज खुलेगा, वहां पर सारे आपके जो PDF है इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और डिस्कस हो जाते हैं. ठीक है, आगे आप 4th क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस. अच्छे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और फ्रेंड जितने क्वेश्चन देख रहा हूँ सारे लगभग NCERT का पैटर्न है. अगर NCERT बुक को अगर आपने खदेड़ के पढ़ा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा. अब जो क्वेश्चन 5th है, बोला गया टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ये पूछा गया कोई चैप्टर 13 से शायद, मोशन जो है एग्जैक्ट चैप्टर 13 नहीं है, पर लेकिन नाम जो है एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं, कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मास में शेप में, और ऑप्शन था डी ए और सी बोथ, ए और सी बोथ. चाहे जानना सी में शेप में डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में डिपेंड करता है. आप हाई क्लास में सीखोगे, इसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी है, वहां पर जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला देखोगे कि लेंथ में ही डिपेंड करता है. उसका आंसर बोलोगे लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन बताओ कि सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, ऑसिलेटरी कि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, आप उत्तर आंसर मुझे कमेंट करके. क्वेश्चन 6 देखते हैं. अच्छा, क्वेश्चन 6 क्या है, व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू स्टार्च इट गिव्स. फ्रेंड देखना, स्टार्च का जो है कंफर्मेशन टेस्ट है, चैप्टर 1st का क्वेश्चन है, स्टार्च का कंफर्मेशन टेस्ट है, जहां पर ऐसा कोई फूड आइटम है जहां स्टार्च कंटेन करता है, उसके ऊपर अगर आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो अगर वो ब्लू ब्लैक रंग का हो जाता है, तो वहां से इंडिकेशन मिलता है कि हाँ उस खाने पे उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसका आंसर बोलो क्या था, कि इट गिव्स व्हाट, ब्लैक कलर, चलिए बिल्कुल नहीं देता, ग्रीन कलर, कलरलेस, और ऑप्शन बी ब्लू ब्लैक कलर. बच्चों से ए और बी में कंफ्यूजन होगी, बट इसका आंसर बी है, बिकॉज ब्लू ब्लैक कलर देता है. ये दे रखा है NCERT में, NCERT की एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वन, विच डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू मेजर टाइम इन एंशियंट टाइम, ये वर्ड से छुपा हुआ, एंशियंट माने क्या होता है, पुराना. ऐसे कौन से डिवाइस है जिनसे एंशियंट में नहीं देखा जाता. अच्छे देखो, पहले सन डायल है, बिल्कुल देखा जाता है, सैंड क्लॉक बिल्कुल अच्छी, वाटर का बिल्कुल, लास्ट है डिजिटल क्लॉक. बच्चे डिजिटल तो अभी 2015 में हुआ इंडिया, तो आप पहले कैसे यूज करेंगे, उसका आंसर क्या है, डिजिटल क्लॉक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की मूव करते हैं.
फ्रेंड जो एट क्वेश्चन था कि गुड ब्रीड ऑफ शिप्स आर प्रोड्यूस बाय कौन सा ब्रीडिंग। बच्ची ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया, ये आपका बुक से नहीं था। उसका आंसर अच्छे बोलो कि आपका क्रॉस ब्रीडिंग है। हम एक दो वैरायटी के शिप्स लेते हैं, उसमें क्या एक वैरायटी अलग वैरायटी की होगी और सेकंड जो है आपका नेक्स्ट जनरेशन की होगी। दोनों को क्रॉस कराते हैं, वहां से क्या गुड वैरायटी की आपकी जो है बोल मिलता है। तो क्या गुड ब्रीड ऑफ शिप्स आर प्रोड्यूस बाय क्रॉस ब्रीडिंग, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल था, बुक का ही क्वेश्चन है। ऑन पासिंग सीओ टू गैस थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स फेमस लाइन है, लाइम वाटर टर्न्स वॉट मिल्की, मिल्की हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, फ्यूचर की बातें पर ध्यान रखो, इसका आंसर क्या था मिल्की। सेकंड चार क्वेश्चन था, ये भी सेम उसी चैप्टर का, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। सम ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द सोल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्या आपका क्रिस्टलाइजेशन है। ये भी सेम आपका बुक का क्वेश्चन है, लगभग एनसीईआरटी के अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे होंगे सारे क्वेश्चन हमसे कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ वुल इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ फैब्रिक, डायमीटर ऑफ फैब्रिक ऑफ द शिप, डायमीटर ऑफ द फैब्रिक मतलब जो आप फैब्रिक निकाल रहे हो उसका डायमीटर में डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द फैब्रिक ऑफ ए शिप है। ठीक है अच्छे, आगे अच्छे बोलो क्या क्वेश्चन पूछा गया था 12th, द शाइनी थ्रेड, ये पूछा गया था हीट चैप्टर से, द शाइनी थ्रेड इन थर्मोमीटर इज मरकरी, बिल्कुल सही बात है, बोल के आपका मरकरी है, मरकरी होता है। सेकंड क्या है, द ओनली सोर्स ऑफ वुल, पूछा गया था कि ओनली सोर्स ऑफ वुल जो है, नीचे पूछा था द ओनली सोर्स ऑफ वुल इज शिप, तो अच्छा ओनली सोर्स शिप ही नहीं होता, बहुत सारी चीज होती है, तो बोलो कि आपका फॉल्स है। अच्छा आगे बोलो क्या है, याक हेयर्स आर नॉट यूज टू मेक वुलन फैब्रिक है, तो अच्छा बोलो क्या है ये आपका फॉल्स है, क्योंकि याक हेयर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है। ठीक है अच्छे, तो आपका ये था सेक्शन ए, सेक्शन ए में इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, वेयर इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट सिचुएटेड, मतलब फूड की जो प्लांट की जो फूड फैक्ट्री कहाँ सिचुएट होती है। प्लांट के जितने ही पार्ट से पता होगा, अच्छे प्लांट का एक पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो पार्ट कौन सा होता है, ग्रीन लीव्स, तो आप बोलोगे अच्छे आपका सिंपल सा बोलो ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री, बिकॉज ग्रीन लीव्स वो पार्ट है जहाँ पर प्लांट अपना खाना बनाती है, मतलब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, इसीलिए हम ग्रीन लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है, वहाँ सारा खाना बनता है, फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट भी कई बार हम बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। कनेक्टर वो होते हैं जो आपके द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर नोन एज व्हाट, कंडक्टर ऑफ हीट, और ऐसे सब्सटेंस जो अपनी बॉडी से हीट को पास नहीं करवाते हैं उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट है। दो मार्क्स का क्वेश्चन था, तो कनेक्टर का एग्जांपल देते हैं, बच्चे बोलो क्या है, जितने ही मेटल्स होते हैं जैसे बोलो कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब चीज़ हो गई है, और आपको जो इंसुलेटर में आपका क्या है वोल्ट हो सकता है और आपका प्लास्टिक है। एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपको अगर मिलना चाहिए होगा चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, आज शायद अपलोड ना हो तो कल तक जो अपलोड हो जाएगा ज्ञानी कीड़ा के एफबी पेज में या फिर ज्ञानी कीड़ा के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर लिंक एक्सेस नहीं हो पाते मैं बताना मुझे कमेंट करके, आई विल अलाउ यू टू एक्सेस इट। ठीक है अच्छे, थर्ड क्वेश्चन था, पैंक्रियाटिक जूस विच ग्लैंड सीक्रेट्स, पैंक्रियाटिक जूस को बच्चे को मिसटाइप हुई सेंटेंस में, पैंक्रियाटिक जूस को कौन सा ग्लैंड जूस कौन सा ग्लैंड बनाता है, तो लिखना चाहिए था पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड, इसका आंसर बोलो क्या है पैंक्रियास है, पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। और पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जूस, तो पैंक्रियास का जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है और आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और आपका फैट भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने का रोल प्ले करता है, ये सब काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ पूछे क्या देखते हैं आप, जो क्वेश्चन नंबर फोर जो है, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एक्सप्लेन विद एग्जांपल, बच्चे फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। अबे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका शेप होता है, उसका साइज होता है, उसका कलर होता है, इन सब बातों में अगर चेंज आता है तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल दो, तो आप बोलते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हो रहा है मेल्ट हो रहा है, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, उसका शेप में क्या क्या चेंज आ गया, तो ये सब बातें लिखनी थी एग्जैक्टली, जो डेफिनेशन है मिल जाएगी आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर, क्या होगा कि अगर बेकिंग सोडा को आप विनेगर में ऐड करोगे, ध्यान अच्छे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा जो होते हैं बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं आपके ये बेस होते हैं, और आपके जो विनेगर है ये कैसे होते हैं आपके एसिड होते हैं। बच्चों को शायद समय नहीं आ रही होगी, पर अगर कोई टीचर्स में वीडियो देख रहा है ध्यान रखना, बेकिंग सोडा क्या है बेसिक नेचर होते हैं और विनेगर जो आपका एसिडिक होते हैं, बिकॉज विनेगर में जो है एसिड आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे आप इन दोनों कंबाइन करोगे, एज वी नो कि जब एसिड बेस से कंबाइन करता है या फिर आपका जो बेस है वो एसिड से कंबाइन करता है, दो चीज बनती है ध्यान रखना चाहिए, सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में क्या बनता है आपका वाटर। आई रिपीट, व्हेनेवर एन एसिड कंबाइंस विद बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे इतना पूछा क्लास सेवन के हिसाब से, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, तो आपका आंसर बोलो क्या है, जब भी कोई एक नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आपको बोला था व्हाट टाइप ऑफ चेंज, बोलो क्या, केमिकल चेंज, बिकॉज एक नया चीज बन रही है। दो मार्क्स था, रीजन भी दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आई क्वेश्चन बच्चे बोला गया है कि व्हाट आर सीडोपोडिया, राइट अ फंक्शन ऑफ सीडोपोडिया ऑल्सो। सीडोपोडिया बच्चे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि आपका अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वहां पाया जाता है, ठीक है। अच्छे, अब सर काम क्या होता है, मान लो चाहिए देखो अमीबा कुछ इस तरह से दिखेगा, अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता, मान लो ये कोई प्रे है, मतलब ये कोई शिकार है अमीबा को दिखा, तो अमीबा क्या करता है बच्चे, इस चीज को आपको एक्सटेंड करेगा और कुछ इस तरह से इसको अंदर ले लेगा। तो जो इसकी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, ये आउटर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसी को बोलते हैं सीडोपोडिया। इट हेल्प्स इन कैच ऑफ द प्रे, मतलब ये जो प्रे है उसे कैच करने में मदद करता है, ये फंक्शन था। आगे अच्छे बोला गया था, नेम द सब्सटेंस ऑफ विच सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ, हु प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, ठीक है। अच्छे, तो आप सब्सटेंस जिससे हम सिल्क फाइबर बनाते हैं, तो आप उसे बोलते बोल के सिल्क वॉर्म है, अच्छे बोल के आपका सिल्क वॉर्म है, इसे लिखते हो। आगे हु प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, जो बोल के सिल्क वॉर्म के करते हैं हम, सिल्क वॉर्म सेरिकल्चर एक प्रोसेस है, उस मेथड से हम करते हैं, ठीक है। अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि नेम द ऑर्गेनिज्म, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 था, नेम द ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अच्छा, एटमॉस्फेरिक आपको पता होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को आपको कन्वर्ट करता है ऑफ वाटर, आपका जो सॉइल है उस मिक्स करता है, मतलब आपका जो है द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट वॉट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, चैप्टर फर्स्ट में देखा साफ साफ, राइजोबियम बैक्टीरिया, बोलो कि आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाम बहुत सुनोगे उसे फ्यूचर में आप, राइजोबियम बैक्टीरिया। और पूछा गया था व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जो बहुत सिंपल है देखना समझने से, जो मान लो देखो क्या, ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये बी है, दोनों कुछ इस तरीके से रहते हैं कि जो ए है ना इसको बेनिफिट करता है और जो बी है इसको बेनिफिट करेगा, ए इज बेनिफिटिंग बी एंड बी इज बेनिफिटिंग अबाउट ए। तो इस तरह का जो सिंबल होता है ना, इस तरह का जो रिश्ता होता है, एसोसिएशन होता है, उसी को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आई रिपीट, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अगर एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइकन, बच्चों की आपका बोलो लाइकन है, और लाइकन जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन दो चीज का, कौन कौन सा, एक आपका फंगी और एक बच्चे आपका एल्गी है, फंगी और आपका एल्गी है। और कर देखो अच्छे, फंगी जो होते हैं ये आपके होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, अगर हेटरोट्रॉफ्स हैं तो क्या अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फंगी क्या करता है, ये शेल्टर देने का काम करता है, ये फेल्टर मतलब जो घर देने का काम करेगा। दूसरे आते हैं बोलो क्या आपका एल्गी, अलगी कैसे होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये आपके बच्चे जनरली कैसे खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, तो अगर खाना खुद प्रिपेयर कर पाएंगे तो ये क्या बना चाहिए आपका, ये फूड प्रिपेयर करते हैं, और फूड किसको देंगे आपको, फंगी को। तो ये इसको बेनिफिट कर रहा है और एलगी से बेनिफिट कर रहा है, इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब इसी के और में क्वेश्चन था, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है, आप जनरली समझ लो पैरासाइट वो होते हैं कि जो आपके डेड, आपके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, और सबसे खास बात ये होती है कि जहां से करेंगे वहीं रहेंगे। अगर बोलो क्या सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो आपका डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जांपल जो मैं डिस्कस कर दूंगा आपकी पीडीएफ में और देख लेना। जो क्वेश्चन 9 है, डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, तीन टर्म्स से देखते हैं। जो क्वेश्चन 9 पूछा कि डिफाइन था कि डिफाइन द फॉलोइंग रियरिंग, शियरिंग और सेरिकल्चर। देखो रियरिंग क्या होता है, नॉर्मल समझना कि रियरिंग माने क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का टेक केयर करना, उसको लेके आना, उसे बड़ा करना और करते करते उसे उस लायक बनाना, उसे बोलते हैं रियरिंग। और शियरिंग माने क्या होता है, नॉर्मल उसे फ्लीस करके उसे जो जितने हेयर सबको निकालना, उसे क्या बोलते हैं शियरिंग। और फिर सेरिकल्चर में क्या होता है, आपको नॉर्मली जो आपको मेन चाहिए ना मुद्दा, आपको जो सिल्क वर्म, आपका सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाना, इसी को बोलते हैं सेरिकल्चर। द प्रोसेस इन विच वी आर कन्वर्टिंग व्हाट, सिल्क वॉर्म इनटू सिल्क, इज नोन एज सेरिकल्चर है। बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का देख लेना, चैप्टर में थर्ड का, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली एनसीईआरटी पैटर्न, ये कोई बाहर से पेपर नहीं आया, नॉर्मली एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन 10 इसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन 9th क्या आपका, क्वेश्चन 9th के और में था कि व्हाट आर एनिमल फाइबर, एक्सप्लेन ब्रीफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल फाइबर। कि एनिमल फाइबर वो होते हैं ऐसे फाइबर जो आपके एनिमल से मिलते हैं, उन्हें एनिमल फाइबर बोलते हैं। और कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके प्रॉपर कुछ प्रोसेस है, फ्लो चार्ट देख लेना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 10th बोला हुआ है, डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन दो चीज, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का 12 पूछा जाता है। ओडोमीटर कुछ नहीं, ऐसे मान लो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओडोमीटर क्या नाम था आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओडोमीटर से नापेगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और जो दूसरा आपका बोलो कि आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है, पर जो स्पीडोमीटर अच्छे बोलो कि आपका स्पीडोमीटर क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापता है कि इंस्टेंट में कितना स्पीड है। तो बोलो कि स्पीडोमीटर मेजर्स द
स्पीडोमीटर मेजर्स द व्हाट अच्छे मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर आप बोलो स्पीड सेवन क्लास के हिसाब से स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पार्ट इसी बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट स्पीड टाइम डिस्टेंस। बच्चे अच्छे पता है स्पीड बोलो क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन वे टाइम, डिस्टेंस अपॉन वे टाइम, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 मूव करते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चन 11 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, व्हाई शुड वी वियर लाइट, जी देखो इसमें मिस्टेक है, हाइट कलर लिखा हुआ है, लाइट कलर होना चाहिए, व्हाई शुड वी वियर लाइट कलर इन क्लॉथ, लाइट कलर क्लॉथ इन समर। जो कभी आपको क्वेश्चन लगे ना मिस्टेक है, आप ऊपर आ जाना, गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जी देखो क्या है आपको देना, नॉर्मल सब अच्छी बात ये है कि जो आपके लाइट कलर होते हैं ना, मान लो अगर सन की 5 रेडिएशन आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अगर ये कपड़ा जो है लाइट कलर है तो 5 में से क्या करेगा, जो ये ना 1, 2, 3, 4 इन 4 को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, अब बचा कितना अच्छा आपका 1, इसे कर देगा एब्जॉर्ब, ठीक है। अब सोच के बोलना, इसने जो मैक्सिमम हीट है उसे क्या कर, रिफ्लेक्ट कर दिया, और कितने का एब्जॉर्ब किया, सिर्फ 1 को। तो सोच के ना टेम्परेचर देखो, गर्मी के टाइम में आप क्या चाहते हो कि आपकी बॉडी में ठंडा बन रहे, इसीलिए आप बोलोगे लाइट कलर इसलिए पहन, बिकॉज लाइट कलर क्या करता है, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। बट अगर आप डार्क पहन लो गलती से बच्चे, पता ही फिर क्या होगा, अगर लाइट डार्क पहनोगे मैक्सिमम आपका जो लाइट हो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो बोलोगे लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट, दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी वियर लाइट कलर ड्रेस इन द आपका समर। क्वेश्चन 12 अच्छे दिया, अच्छा क्वेश्चन था काफी, इसी के और में दो क्वेश्चन था, पहला जो थ्योरेटिकल है इसको मिल जाएगा आपको सोल्यूशन पे, सेकंड क्वेश्चन जो है पूछा गया था व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, अच्छा होता क्या है, गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी आयरन की चीज को, कोई भी आयरन के प्रोडक्ट को हम रस्टिंग से बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, तो उसके बाहर एक लेयर चढ़ाते हैं, उसके बाहर किसी भी आयरन के ऊपर हम एक जिंक के लेयर को डिपॉजिट करते हैं, इससे क्या होगा, रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं, द प्रोसेस इन विच यू आर प्रिवेंटिंग वॉट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द डिपोजिशन ऑफ जिंक, दैट्स दिस प्रोसेस नोन एज गैल्वनाइजेशन। बोला सेकंड अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, पता होगा आयरन को जब आप एक्सपोज करते हो आपके एटमोसफेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा ऑक्सीजन होता है, सेकंड अच्छे बोलोगे आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के साथ आपका होता है वाटर वेपर, अच्छे बोलोगे आपका वाटर वेपर है, दोनों से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, रस्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के पढ़ने, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, अच्छा जी क्वेश्चन 13 पूछा गया था, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथ, कह रहा कि जब हम ठंडियों के टाइम में ज्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं, देखो ज्यादा कपड़े पहनोगे ज्यादा लेयर होंगे तो आपकी बॉडी की जो हीट होगी ना वो बाहर नहीं जा पाएगी, बिकॉज ज्यादा लेयर जो है एक तरह का इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, अब मुझे पता कि जो इंसुलेटर है वो हीट को पास होने नहीं देता, तो आप बोलोगे मोर लेयर विल प्रिवेंट द हीट from heat to escape from your body and it will make us it will keep us your body warm, that's why this is a main reason why we wear more layers of clothing during winter season, theek hai che exactly jo answer mil jayega pdf mein, jab tension ki baat nahi hai। Ab question 14 dekhte hain, क्वेश्चन 14 का बी पार्ट देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 280 किलोमीटर, डिस्टेंस देखा 280 किलोमीटर और एक बस है वो टेक करता है 4 आवर, आप बोला कि स्पीड निकालो, स्पीड तो अभी ज्यादा स्पीड बोलो क्या होता है, स्पीड बोलो क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन पे टाइम है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन पे टाइम है, जो डिस्टेंस बोलो कितना चाहिए डिस्टेंस 280 किलोमीटर और टाइम कितना चाहिए बोला 4 आवर है, अगर आप सॉल्व करोगे कितना आपका 70 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड था। सेकंड बोला कि बताओ डिफाइन स्पीड, तो स्पीड क्या चाहिए, स्पीड डिफाइन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, आगे क्या व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड के बेसिक यूनिट बोले क्या होते हैं मीटर पर सेकंड। आगे विच क्वांटिटी, अच्छा अगर आप स्पीड और देखो अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हो ना, अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हो, ध्यान रखना चाहिए ये होता है जो ऊपर वाला एक्स एक्सिस और जो नीचे वाला है बोलो क्या आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हम क्या दिखाएंगे डिस्टेंस, बोला विच क्वांटिटी आर शोन एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में बोलो क्या टाइम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 15 है कि वाई ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक नेचर, बच्चे ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है, उसमें कैपेबिलिटी होती है, तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, थ्योरेटिकल आंसर है मिल जाएगा। आगे चल के एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस विच मेक्स द ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक नेचर, तो कौन सा प्रोसेस है जो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट कैसे आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है। यू आर गेटिंग द आंसर, ये सुनो बिल्कुल मिल रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16
ऑप्शन सेक्शन काफी अच्छा था, बोला था राइट द नेम ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो चाहे माउथ है, माउथ से स्टार्टिंग होती है, देन आपका फूड पाइप जिसे ऑसोफेगस ही बोलते हैं, देन बच्चे आपको जाता बोलो किसमें आपका स्टमक में, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बच्चे आपका रेक्टम से रेक्टम में स्टोर होता है, फिर आपका एनएसए निकल जाता है। इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं जैसे आपका लीवर और पैंक्रियाज है, उनका भी रोल होता है। तो स्टेप्स में लिखने थे। सेकंड से बी पार्ट बोला कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट एन एसिड, आपका आंसर बोलो क्या स्टमक, स्टमक जो एक बनाता है एसिड कौन सा आपका HCl। इसके फंक्शन दो, अच्छा एक फंक्शन तो ये है कि एक एसिडिक मीडियम बना के रखता है पेट के अंदर, और उस एसिडिक मीडियम में आपका प्रोटीन आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और सेकंड बच्चे ये है कि अगर गलती से अगर हम खाना खाते समय कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है आपका HCl। इसी के बी पार्ट है, देखो क्या देखना बी पार्ट और ये ऑप्शन में था, लास्ट पार्ट था मैचिंग थी। देखो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है जो अगर आपकी बॉडी में वाटर है ना उसको एब्जॉर्ब करते, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड बोलो कि अमीबा, अमीबा का अभी बताया था स्टार्टिंग में कि अमीबा का एक सीडोपोडिया होता है, जो अमीबा का सीडोपोडिया। सेकंड बोलो क्या लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर बनाता आपका बाइल जूस, लीवर क्या आपका बाइल जूस है। तो थर्ड पॉइंट है सलीवरी ग्लैंड, क्या बनाएगा चाहे बोलो सलाइवा, तो ये फोर्थ है। और बफेलो चाहिए क्या रूमिनेंट्स होते हैं, खत्म, दैट्स योर आंसर, ये बुक का ही क्वेश्चन है, दैट्स इट। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन, इसमें इसके ऊपर कुछ नहीं है, काफी अच्छे बताया गया। अगर कुछ पॉइंट दिक्कतें होती हैं, अगर मैंने कुछ रैपिडली बोल दिया बताना मुझे, और इसकी सोल्यूशन चाहिए या फिर ज्ञानीकेडा के एफबी पेज में या फिर ज्ञानीकेडा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम, आई होप यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प लगती है तो कमेंट जरूर बताना मुझे, और बाकी मैक्सिमम शेयर करना, बाकी जो टीचर्स अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी पूरे पैटर्न को समझने के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे या इस ईयर। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।